हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कल कि मैं एक नए चैप्टर के साथ आऊँगा, तो आज हम लोग रियल नंबर का रिवीजन करने वाले हैं। रियल नंबर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और साथ में PYQ लगाएंगे, ठीक है? और PYQ करने के बाद हम लोग एक एक PYQ करने से पहले हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे, जिसमें रियल नंबर क्या होता है वहाँ से शुरुआत करेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखेंगे। ऐसे करके हम लोग चैप्टर का फुल रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग 8th टू 12th और 12th पास स्टूडेंट की JEE नीट की तैयारी करवाते हैं। तो अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर की ओर। तो हम लोग आज कौन से टॉपिक कवर करने वाले देखते हैं। तो हम लोग पहले कवर करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकेंड टॉपिक पे आएंगे तो डील करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। इसके बाद हम लोग थर्ड जब टॉपिक पे आएंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में जब हम बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये सब डील करेंगे। उसके बाद टॉपिक फोर में आएंगे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखेंगे। क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखेंगे। उसके बाद आएंगे तो रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, HCF और LCM में क्या रिलेशन है वो चेक करेंगे। अगर दो नंबर दिया है तो दोनों में HCF और LCM में क्या रिलेशन होगा, जिससे कभी HCF देकर LCM पूछ लेता है, कभी LCM देकर HCF पूछ लेता है, ठीक है? इतना क्लियर है। और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से पहले हम लोग देख लें कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है? सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे निगेटिव इंटीजर लेंगे, 1, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये जो सारे नंबर हैं इनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे रियल नंबर हैं। तो सर, रियल नंबर किन किन नंबरों से मिलके बना होता है? तो पहले देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो अप टू इन्फिनाइट हो। जो ऐसे नंबर जैसे काउंटिंग नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया, ये टोटल नेचुरल नंबर हो गए, इन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर आर दो नंबर विच आर काउंटिंग। उसके बाद जब हम लोग इंक्लूड कर लें 0 को साथ में तो उसे क्या बोलते हैं, होल नंबर। जैसे 0 विथ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, ऐसे हम लोग इन्फिनाइट तक जाएंगे, इसे क्या बोलते हैं, होल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है इंटीजर। इंटीजर में जब हम बात करते हैं तो इस नंबर लाइन पे जितने भी 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से या आई प्लस से डिनोट करते हैं। और जब भी बात करते हैं निगेटिव इंटीजर का तो -1 से शुरुआत होती है और माइनस इन्फिनाइट तक जाती है नंबर, तो इसे क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर या इसे जेड माइनस से भी डिनोट करते हैं। इतना बात क्लियर है, कोई डाउट? उसके बाद हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे हों, जो हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखा हो वहां पे P और Q क्या है, इंटीजर हैं। P और Q क्या है, इंटीजर हैं।
और q नॉट इक्वल टू जीरो है। तो कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है और p एंड q क्या है, इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर बोलते हैं। इतना बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सर इसके बाद हम रेशनल नंबर डिफिनेशन तो देख लिए, तो ई रेशनल नंबर क्या होता है ये देखेंगे। तो ई रेशनल नंबर वैसे नंबर जो रेशनल ना हो उसे क्या बोलते हैं? ई रेशनल बोलते हैं, सिंपल है। तो ई रेशनल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ई रेशनल का एग्जाम्पल की बात करें सर, रूट टू, रूट थ्री, पाई। पाई क्या है? पाई जो है ई रेशनल नंबर है, और यहाँ पे पाई का जो वैल्यू हम लेते हैं 22/7, 22/7 ये क्या है, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं 22/7 ये क्या है, एक रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p बाई q फॉर्म में है, और p एंड q क्या है, p एंड q इंटीजर है। बात क्लियर है? ये सारे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। इसमें एक और बात आती है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं, क्या एक पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर पिज्जा का फोर पार्ट है जिसमें से हमें टू पार्ट लेना है, यानी बोलेंगे हम टू आउट ऑफ फोर, ये क्या है, फ्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ पे देखें रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या निगेटिव हो सकता? नहीं, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर निगेटिव ले सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शन कैन नेवर बी निगेटिव, कैन नेवर बी निगेटिव। और फ्रैक्शन होता क्या है? तो सर समथिंग आउट ऑफ टोटल, समथिंग आउट ऑफ टोटल। सपोज 2/4 यानी टू पार्ट आउट ऑफ फोर, आउट ऑफ फोर, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इन सारे जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन देखें नंबर के, ये हम नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं, इन सारे जो नंबर के क्लासिफिकेशन देखे हैं, तो इन क्लासिफिकेशनों को जब हम लोग कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। ये सारे क्लासिफिकेशन को मिला दें, ज्वाइंट कर दें, तो क्या बनता है? रियल नंबर। आगे मूव करेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर के क्लासिफाई, रियल नंबर को जब क्लासिफाई किया जाता है तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, इन दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करने के बाद हम जब रेशनल नंबर को देखते हैं, जब भी हमें बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है सर, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इतना क्लियर है, एंड नॉट इक्वल टू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो और q नॉट इक्वल टू जीरो, उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में दो पार्ट होते हैं, इसको दो टाइप में क्वालिफाई किया जाएगा, इसको जो पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है ये समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज 0.5 एक टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है, इसको हिंदी मीडियम बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे शांत दशमलव बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग डिसिमल लाइक इसको हम लोग फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं 0.5 को, और इसको लाइक 1/2, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए इसको रेशनल नंबर के पार्ट में रखा गया है। सर इसे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग नंबर बोल दिए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर क्या होता है? रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रेकरिंग का मतलब होता है क्या? रिपीटिंग नंबर। सर कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन एंड रेकरिंग हो एंड रिपीटिंग हो। सोलो 0.6 बार एक ऐसा एग्जांपल हो गया जहाँ पे 0.6 बार का क्या मतलब होता है? 0.666 एंड अप इनफिनाइट टाइम्स, ठीक है। तो क्या इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिसे हमें इजी से इजीली वे में हम कन्वर्ट कर दें किस में? फ्रैक्शन पार्ट में, तो वो क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग को इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है कन्वर्ट करने का। सपोज 0.6 बार है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, होल नंबर माइनस, होल नंबर मीन्स पूरा, डेसिमल भूल जाएंगे, होल नंबर माइनस नॉन बार डिजिट डिवाइड बाई। अब देखेंगे यहाँ पे कितने लाइन देना है, जिसपे बार हो नाइन, जो बार जितना पे बार हो डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो टेंथ बोर्ड में आती है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आप लोग तुरंत जो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर होगा उसको कन्वर्ट करके आप बता सकते हैं कि वो रेशनल है कि नहीं, ठीक है। आफ्टर डेसिमल कितना बार नाइन होगा, जितना पे बार लगा हो, और जीरो कितना होगा, जीरोस होगा नॉन बार पे। चलिए देखते हैं, सपोज 0.6 है, 6 बार, तो होल नंबर कितना है, ऊपर दशमलव भूल जाते हैं, तो 6 डिवाइड बाय, नीचे कितना है, आफ्टर डेसिमल कितना, कितना पे बार है, 9, 1 पे बार है, और आफ्टर डेसिमल कितना पे नॉन बार है, कुछ नहीं है, तो 6 बाय 9 क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है, ऐसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आगे मूव करते हैं, तो देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग का एग्जांपल। इसका एग्जांपल क्या होगा, सपोज वैसे नंबर 0.23567854 जो ना ही रिपीट हो रहे हो और ना ही रुक रहे हो, क्या रुकते नहीं है, ये ऐसे नंबर है जो जिसे हम लोग फ्रैक्शन पार्ट में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर है, और इस ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इतना क्लियर है, इतना तक कोई डाउट, इतना बात समझ में आया। ऐसे नंबर को हम कितना भी कोशिश कर लें, हम ऐसे नंबर को कभी भी हम इरेशनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कभी भी फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इसे ना पकड़ के कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इस मेथड से कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से जाते हैं तो, नहीं तो हम लोग लॉन्ग मेथड जानते हैं कि एक्स मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं, फिर 10x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 100x से मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक हमें फ्रैक्शन पार्ट ना मिल जाए, ठीक है। इतना क्लियर है, कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने जिक्र किया जैसे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, 2/3 क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है 2/3, जहाँ पे पी क्या है, इंटीजर है, और 3 क्या है, इंटीजर है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। सबसे बड़ा एक डाउट आता है जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें डाउट आता है कि पाई सर क्या है, पाई रेशनल है या इरेशनल है, तो पाई का वैल्यू जो लिखते हैं हम लोग 3.14144 ऐसे डॉट, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सर 22/7 भी लिखते हैं ना सर, तो 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p by q के फॉर्म में लिखा हुआ है, p और q क्या है, यहाँ पे p एंड q क्या है, p एंड q आर इंटीजर। इतना क्लियर है, इतना तक डाउट, तो बेटे ये रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया, इतना समझ में आया। तो आज से इतना क्लियर हो गया कि पाई और 22/7 यानी 22/7 क्या हो जाएगा, 22/7 रेशनल नंबर और पाई इरेशनल नंबर। इतना तक कोई डाउट, सभी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि मैं ब्रशअप टाइप का क्लास कर रहा हूँ, ये डिवीजन क्लास है, क्रैश कोर्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे मूव करते हैं,
तो देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो वैसे नंबर जो रेशनल ना हो वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं रूट सेवन का, रूट टू, रूट फाइव, ये सारे नंबर क्या है? इरेशनल है, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो रूट सेवन क्या है? इरेशनल नंबर है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे नंबर क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। तो एग्जांपल लेते हैं, और जब भी हम बात करते हैं सर पाई, पाई हो गया सर रूट फाइव प्लस थ्री, रूट फाइव माइनस सेवन, टू रूट टू, रूट टू, रूट थ्री, ये सारे नंबर क्या हो गए? नंबर ये सारे इरेशनल के एग्जांपल हो गए। अब बात आती है कि प्योर इरेशनल नंबर और इम्प्योर इरेशनल नंबर क्या होता है। ये एडिशनल चीज़ है जो कि थोड़ा बोर्ड से अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए ये बात बता दूं कि प्योर और इम्प्योर इरेशनल नंबर क्या होता है। तो प्योर, जब भी हम बात करते हैं प्योर इरेशनल नंबर का, कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो देखते हैं इरेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं, पहला प्योर इरेशनल और दूसरा इम्प्योर इरेशनल। प्योर इरेशनल और इम्प्योर इरेशनल, ठीक है। तो बेसिकली प्योर इरेशनल क्या, एग्जांपल बताइए सर। तो प्योर इरेशनल का एग्जांपल हो जाता है रूट टू, क्योंकि ये प्योर है, इसमें कुछ मिक्स नहीं किए हैं, लाइक रूट सेवन, रूट थ्री। और इम्प्योर का बात आता है तो इम्प्योर में देखते हैं फाइव प्लस रूट थ्री, फाइव रूट थ्री, सेवन रूट टू, ये सारे क्या है? इम्प्योर इरेशनल नंबर है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, तो देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, जिगर के टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो मैंने ये पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ, मैं ये पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सम ऑफ ए इंपॉर्टेंट, सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, ये इरेशनल, क्या ये बात सही है? ये ट्रू एंड फॉल्स करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता है कि सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, क्या ये बात सही है? सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल, सर एक तो ये तो रेशनल नंबर है, ये तो इरेशनल है, ये रेशनल, एक रेशनल है, एक इरेशनल है, क्या ये दोनों को कंबाइन करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या होगा? सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, बात सही है, ट्रू। इतना क्लियर है? इतना तक कोई डाउट? अब बात आती है सेकंड, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, क्या इसी का एग्जांपल लेते हैं? टू माइनस रूट थ्री, एक तो रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, ठीक है। तो जब इसका बात करते हैं तो एक रेशनल एक इरेशनल को जब हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। इतना तक क्लियर? कोई डाउट? प्रोडक्ट ऑफ रेशनल, थर्ड पॉइंट देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो प्रोडक्ट ऑफ लेते हैं टू इंटू रूट थ्री, एक रेशनल है एक इरेशनल है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? हमेशा इरेशनल नंबर आता है। इतना क्लियर है?
कोशेंट का बात करते हैं तो जब भी हम 2 बाई रूट 3 करें, 2 बाई रूट 3 करें तो यहाँ पे 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक ई रेशनल नंबर है, और रेशनल को जब ई रेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमेशा ई रेशनल मिलता है। इतना क्लियर है, इतना पॉइंट को अपने माइंड में रखेंगे जिससे कि ऑब्जेक्टिव में ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। ये जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर को जोड़ें तो हमेशा इरेशनल मिले। ये जरूरी नहीं है कि जब भी हम 2 इरेशनल नंबर का सम लें तो इरेशनल नंबर मिले। कैसे? सपोज सर एक इरेशनल नंबर है √2 और दूसरा है -√2। इतना क्लियर है? तो एक तो -√2 एक √2, जब भी हम इसका सम लेंगे तो एक रूट टू आया और एक -√2, कितना आ जाएगा? 0। 0 क्या है? 0 क्या है सर? 0 एक रेशनल नंबर है। ये हमेशा याद रखेंगे कि 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आता है, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। क्या यह सत्य है, क्या यह बात सही है? डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। जरूरी नहीं है कि 2 रेशनल इरेशनल नंबर का जब डिफरेंस लिया जाए तो क्या है, इरेशनल है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। एक रूट टू है, एक रूट टू है, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं यानी √2 - √2 तो कैंसिल आउट कितना आ जाएगा, 0। 0 क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो ये बात गलत हो गई, ये बात गलत हो गई, यानी ये फॉल्स है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ये भी देख चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर बोलता है कि √3 लेते हैं, ये क्या है, इरेशनल है, √3 ये क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी 3, और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इतना तक क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर का जब भी हम लोग प्रोडक्ट लें तो क्या है, इरेशनल है, रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं डिवाइड करके। जब भी हम लोग डिवीजन लेते हैं √3 / √3, तो ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा जो कि एक रेशनल नंबर है। इतना क्लियर है? इतना तक कोई डाउट कमेंट कीजिए और बताइए, इतना तक कोई डाउट? इसी के साथ आगे मूव करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, वैल्यू ऑफ √2 इज, इसका एक क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ √2 इज कितना होगा, 1.41। ये √2 का जो वैल्यू है 1.41, हम जनरली तो ये लिखते हैं। तो ये क्या है, एक ऐसा मैंने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो रुके नहीं, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुके नहीं, टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक, एग्जाम्पल हो गया √2, उसको लिखा गया, उसका वैल्यू लिख के हम चेक करते हैं कि कभी ये
टर्मिनेट, तो ये रुकेगा नहीं, ये इनफाइनाइट टाइम से जाएगा, कभी हम लोग को पता नहीं चल पाएगा ये कहाँ इसकी लास्ट वैल्यू तक ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ये इनफाइनाइट नंबर है, ये कभी रुकने वाली नहीं है, यानी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए रेशनल नंबर, चेक करेंगे, ऑप्शन बताएंगे और कमेंट करेंगे कि कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, कमेंट कीजिए और जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा नंबर इरेशनल है। सबको समझ में आ रही है, कितना क्लियर है? तो 11 मार्च को एग्जाम होने वाली है, मंडे को प्रिपरेशन अपना अच्छा रखें और जल्दी से रिवीजन करें चैप्टर के, एक एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और जितना ज़्यादा ज़्यादा PYQ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो लगाएंगे और अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। चलो इसमें देखते हैं, विच ऑफ दिस नंबर इज ए रेशनल नंबर, क्या पाई रेशनल है? नहीं सर। ये क्या है, रूट फाइव क्या है, इरेशनल, और फाइव क्या है, रेशनल। और जब भी दो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल, तो ये भी गलत हो गया। ये क्या है सर, ये सर 0.346 बार है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी ये इसको हम लोग फ्रैक्शन पार्ट में लिख सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर भी चेक कर लेते हैं। ये क्या है 0.3452106, यानी ये रुक नहीं रहा है, ये इनफिनाइट टाइम तक जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसे नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। इतना क्लियर है? तो ये अभी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इन नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो, ठीक है, जैसे 2, 5, 7, 9, ए नंबर ओनली इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इट इज ए प्राइम नंबर, यानी इससे कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1, 2, 1, 2, ये खुद से होगा या 1 से होगा इसके, और यहाँ पे लिख देंगे 3 भी हो सकता, 3 भी होगा प्राइम नंबर, 1, 5, 3 का देखें तो 1, 3, 7 का देखें तो 1, 7, 9 नहीं होगा, सॉरी 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। ये क्लियर है, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, यानी खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, 2, 5, 7, 13, 19, 17, ऐसे एग्जाम्पल हो गए। तो कभी कभी पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, तो सर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर का बात करें तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाता है, प्राइम नंबर 3। ये चीजें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखेंगे ये पॉइंट,
कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2 और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जिनके जो फैक्टर होते हैं वो एक ही कॉमन फैक्टर होते हैं। जैसे टू एंड थ्री पेयर देखते हैं, फाइव एंड सिक्स, वन टू थ्री के फैक्टर हो जाएंगे 1, 3, एक ही कॉमन फैक्टर है। फाइव के फैक्टर होंगे 1.5, सिक्स के फैक्टर होंगे 1.6, यानी एक ही कॉमन फैक्टर होंगे, उसे क्या बोलते हैं? को प्राइम। और नोट करके लिखेंगे एक पॉइंट, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। क्या? को प्राइम नंबर। ये नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन। जब भी बात पेयर में हो कि एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, तो एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3, 4, 5, 7, 6 ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वैसे नेचुरल नंबर होते हैं जो जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं। यहां पर देखते हैं कंपोजिट नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 4, 8, 4, 8, जैसे 4 का क्या फैक्टर करेंगे हम, तो 4 का फैक्टर होगा 1, 2, 4, और 8 का फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 4, 8। देख रहे हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, यानी मोर देन टू फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। यानी 4 और 8 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये बात क्लियर है? तो हमेशा याद रखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ें हम लोग क्लास 9th में डील करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो कंसीडर द 4 टू द पावर एन, क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर एन वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ द एन फॉर विच 4 टू द पावर एन एंड्स विद द डिजिट 0। ये क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर में या उससे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे ईयर तो याद नहीं है, फिर ये लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसको करेंगे, देखेंगे क्या बोला है। 4 टू द पावर एन, एक यहाँ पे एन क्या है? नेचुरल नंबर है। तो सपोज एक नेचुरल नंबर n पुट करते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो 4 n इज इक्वल टू 2, तो कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर यानी 16, n इज इक्वल टू 3 यानी क्यूब 64, ऐसे ही n इज इक्वल टू 4, 4 की पावर 4 256। देख रहे हैं यूनिट डिजिट पे कभी जीरो नहीं आ रहा, यूनिट डिजिट पे कभी जीरो नहीं आ रहा। तो 4 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 into 2, मैं बताऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है जस्ट इसके बाद बताऊंगा, लेकिन इतना तो बेसिक पता होगा कि 2 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। ठीक है, तो लिखेंगे नो
फॉर नो फॉर एनी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ एन 4 to the power n नॉट ends with 0 because for number to end with 0 end with 0 has at least one time 2 into 5 contain, एक बार एटलीस्ट 2 into 5 आना चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब उस क्या होगा कोई भी नंबर एंड विद 0 हो जाएगा, लाइक सपोज 40 जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 20 2 10 2 5 यानी 2 into 2 into 2 into 5 यानी एटलीस्ट एक बार ये नंबर ये प्राइम फैक्टराइजेशन 40 का करते हैं, इसमें एटलीस्ट एक बार पेयर आता है 2 into 5 का, तो ये नंबर एंड विद 0 रहता है, ये बहुत प्यारा ही नंबर है जैसे 2 into 5 एटलीस्ट। तो ऐसे एग्जाम में लिखेंगे कि नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन 4 to the power n नॉट एंड्स विद 0, ऐसे एग्जाम्पल और दिया रहता है जैसे बोर्ड में 6 to the power n दिया रहेगा, क्या यह एंड विद 0 करेगा, हाँ ना कमेंट करके बताएंगे 6 to the power n क्या एंड विद 0 करेगा, क्या इसे यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, नहीं सर क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन करेंगे इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 3 के पावर n, इसमें एटलीस्ट एक बार 5 आना चाहिए, 2 और 5 एटलीस्ट एक बार आना चाहिए। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की तरफ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जब भी हम डील करते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, और ये फैक्टर यूनिक होता है जिसमें हम बेसिकली डील करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, किसका डील करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है, इतना क्लियर है। तो कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सपोज ट्वेल्व लेते हैं, ठीक है, 12 को जब फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एलसीएम जैसे लेते हैं 2 6 2 3 जा, तो ऐसे लिख सकते हैं तो मैं इसको क्या 12 को क्या सकते हैं 2 into 2 into 3, तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को यही थ्योरम ये बोलता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके हम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन का जो थ्योरम आया, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड आया वो यहीं से उठ के आया, ठीक है। आगे जब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सपोज 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं बचपन में हम लोग एलसीएम निकालना सीखे हैं कि ऐसे सर एलसीएम निकालते हैं, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे लिखेंगे 2 120 2 60 2 30 2 15 3 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 4 times into 3 into 5, ये इसका क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली ऐसे करते हैं,
हम उम्मीद है कि आप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। कोई भी एक नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसका उसको डिवाइड करते जाते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ऐसे फॉलो करते हैं स्टेप्स और प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ऑफ द नंबर। अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना जानेंगे, तो किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। तो एग्जांपल में समझेंगे एक्चुअली एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। तो किसी भी ऐसा नंबर जो दो नंबर को हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, यानी सपोज एग्जांपल है 8 एंड 12, तो सर 8 एंड 12 को कौन सा हाईएस्ट नंबर डिवाइड कर सकता है, 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 एंड 12 का जब लेंगे तो क्या आएगा, 4। एचसीएफ तो आपने बताया सर कि एचसीएफ जो ऐसा नंबर होते हैं जो ऐसे हाईएस्ट नंबर होते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, इतना क्लियर है। अब एलसीएम पे आ जाते हैं, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे स्मॉलेस्ट नंबर लाइक जो सपोज 2 एंड 4 के एग्जांपल लेते हैं, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 4, मल्टीपल 6, 8, ऐसे ही 4 का मल्टीपल क्या होगा, 8, 4, 8, 12। तो जब भी इसका बात करते हैं कि सर इसका एलसीएम कितना होगा, 2 एंड 4 का एलसीएम, तो वैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों को डिवाइड कर दे, यानी 4, 4, ठीक है, वो 4 क्या हो गया, 2 एंड 4 का एलसीएम, 4 लिस्ट जो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा, तो 4 क्या है इसमें, सबसे छोटा है, ठीक है, ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, ए और बी, 2 एंड 4 दोनों से डिविजिबल हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों से डिविजिबल हो, उसे क्या बोलते हैं, एलसीएम। अब आगे सीखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 72 एंड 120, इसका क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 6 का कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 72 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे करेंगे तो 72 का कितना होगा, 2 36 18 9 3 3, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 3 द पावर 2। 120 का करेंगे तो कैसे आएगा, 2 60 2 30 2 15 3 5 जा, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे एक मैं मेथड बताने वाला हूँ जहाँ से आप लोग एलसीएम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करें ना, जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करें तो हम लोग लिस्ट सुनेंगे, लिस्ट पावर टू नहीं, लिस्ट पावर इसमें से कॉमन लेंगे। तो लिस्ट पावर क्या है, इसमें 6 के मल्टीपल प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो तीनों में 2 की पावर 1 लिखेंगे, एचसीएफ में 2 की पावर 1। यानी एचसीएफ का बात हो तो लिस्ट, एचसीएफ का बात हो तो लिस्ट वाले पार्ट को छोड़ देंगे, लिस्ट सॉरी, जब भी एलसीएम का बात हो
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, लीस्ट वाले पार्ट को ले लेते हैं, सॉरी कम वाले को ले लेंगे। जब भी हायर का बात हो तो कम वाले को ले लेंगे, यानी 2 की पावर 1 ले लेंगे। अब इसमें 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो इसमें इस पार्ट में 3 स्क्वायर में 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में कौन सा पार्ट कम है? 3 की पावर 1 कम है, तो 3 की पावर 1 को इंक्लूड कर लेंगे, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6। अब एलसीएम का बात आता है, जब भी एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे हायर पावर को लेते हैं, सबसे हायर पावर को लेते हैं, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट पावर को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। स्मॉलेस्ट पावर को छोड़ देंगे तो 3 स्क्वायर एंड 5, यानी 2 × 3 × 5 × 3 स्क्वायर। देखिए जब भी एचसीएफ का बात करें यानी हायर का बात करें तो लोएस्ट पावर को इंक्लूड करेंगे, और जब भी एलसीएम का बात करें तो हायर पावर को इंक्लूड करेंगे, और एलसीएम एचसीएफ आपका निकल जाएगा। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 × 5 × 9, यानी 360 40, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, ठीक है। जब भी एचसीएफ का बात करें तो लोएस्ट पावर को लेंगे, 2 की पावर 1, इन तीनों में कॉमन है, 672 और 120 में तीनों 2 की पावर 1 है, जो कि लोएस्ट पावर है, और तीनों में 3 की पावर 1 क्या है? 3 की पावर 1 लिस्ट है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में एक जो बताया कि एक कंपोजिट नंबर है, कैसे एक्सप्लेन कीजिए, कंपोजिट नंबर है कैसे एक्सप्लेन कीजिए, तो देखेंगे 7 × 11 × 13 + 13। यहां से जब ये 13 और 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 × 11 + 13, यानी 13 × 77 + 13, सॉरी 77 + 1, 13 × 78 को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 13 × 2 × 13² × 2 × 3। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? ये कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन, तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन वन फैक्टर होते हैं, मोर देन वन फैक्टर। तो क्या इस नंबर के मोर देन वन फैक्टर हैं? 13, 2 और 3, ये फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। इतना क्लियर है? जल्दी से कमेंट करेंगे और बोलेंगे हाँ या ना, क्लियर है? आगे मूव करेंगे, ये कर चुके हैं, नहीं सॉरी, आगे मूव करेंगे तो देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। कभी भी एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन पूछे तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, यानी दो नंबर का एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी क्या होता है? उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी ए इंटू बी। ये रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। कभी क्या होता है कि एलसीएम दे के दो नंबर का एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ लेता है क्वेश्चन में, और कभी एचसीएफ दे के एलसीएम दे, वाइस वर्सा रहता है, ठीक है। इतना तक चमका है ना, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Find the HCF of 96,404,404 by the prime factorization method. Hence, find their LCM. तो क्या करना है? 96 और 404. इसका prime factorization method से पहले HCF निकाल लेंगे, फिर LCM निकाल लेंगे हम लोग। LCM निकालने बोला, तो पहले LCM और HCF के बारे में डील करते हैं।
पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 496 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 248 224 212 26 23 यानी 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 इंटू 3 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आ जाएगा 2 2 0 2 2 1 0 1 है ना, 2 की पावर 2 इंटू 101। अब मैंने बताया था कि इसका जब भी एचसीएफ का बात करें तो लीस्ट पावर को लेंगे कॉमन, लीस्ट पावर यानी 2 टू द पावर 2 और कुछ कॉमन नहीं है तो क्या हो गया 4 आपका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम यानी एलसीएम में लिस्ट वाले को छोड़ दो बाकी सब ले लो, लिस्ट वाले छोड़ दो बाकी सब ले लो, यानी 2 टू द पावर 5 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। अब जो भी आंसर आया कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। जब भी बात करें कि एलसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट का बात करें तो लोएस्ट पावर कॉमन लेते हैं यानी 2 की पावर 2 2 की पावर 2 4, और जब भी एलसीएम का बात करें तो लिस्ट पार्ट को छोड़ के बाकी सब जो बचे रहेंगे उसको लिख लेंगे। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे। एलसीएम 18 12 यानी 2 की पावर 2 स्क्वायर, सॉरी 12 और 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 का करेंगे तो 12 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 9 3 3 यानी 3 स्क्वायर इंटू 2। तो एलसीएम जब भी लेते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 यानी 4 इंटू 9, 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। इतना क्लियर है, आगे मूव करते हैं। प्ले विथ अ कीवर्ड, जब भी वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है तब हम लोग कैसे कीवर्ड के साथ खेलते हैं और क्वेश्चन को जस्टिफाई करते हैं कि किस मेथड से करना है, या एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दिया रहा है तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे कि कैसे कौन सा अप्लाई करना है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। कभी कभी हम लोग अटक जाते हैं प्रॉब्लम में, दिक्कतें आती हैं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो वेन एवर द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम, जब भी मैक्सिमम का बात करें, ये कीवर्ड है मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट का बात करें, देन इन द मोस्ट ऑफ द केसेस द क्वेश्चन विद द एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। वेन एवर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का जब बात करें और डिस्ट्रीब्यूशन का जब बात करें तो उस केस में क्या निकालेंगे, हम लोग सिर्फ एचसीएफ निकालेंगे। और सेकेंड में आते हैं तो देखते हैं कि जब भी बात करें कि मिनिमम क्वांटिटी, समथिंग टू मिनिमाइज, टू मेक लार्ज का बात करें तो एचसीएफ लेंगे,
और टू मेक स्मॉल स्मॉल तो क्या एलसीएम लेंगे, इतना बात दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। देन इन द मोस्ट ऑफ द केसेस सेकेंडली क्या लेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो वेन एवर द टुगेदर वर्ड जहां देखेंगे क्वेश्चन में और सिमुलटेनियस जहां वर्ड देखेंगे क्वेश्चन में, तो इतना बात दिमाग में दोहरा देंगे कि एलसीएम निकालना है, कि एलसीएम निकालना है। ऐसे ऐसे कीवर्ड देखेंगे, टुगेदर, सिमुलटेनियस, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम का बात करें तो एस सी एफ, क्लासिफिकेशन का बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें, ग्रुपिंग का बात करें तो एस सी एफ, ठीक है, इतना क्लियर है। समथिंग टू मेक लार्ज का बात करें तो एस सी एफ, समथिंग टू मेक स्मॉल तो बात करें एल सी एम, ठीक है, इतना क्लियर है। कोई डाउट कमेंट करेंगे, कोई डाउट होगा तो आगे बढ़ें। द ट्रैफिक लाइट्स एट द थ्री क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट्स एट द थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली इफ दे चेंज सिमुलटेनियसली। देखो अभी एक वर्ड आया सिमुलटेनियसली, एट 7 am एट वाट टाइम विल दे चेंज सिमुलटेनियसली अगैन। अभी हमने देखा कि सिमुलटेनियस में क्या होता है, सिमुलटेनियस में हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो जब भी हम एलसीएम लेंगे इसका सिमुलटेनियस वर्ड कीवर्ड, एक कीवर्ड आ गया तो एलसीएम लेंगे 48, 72 और 108, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 48 का करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3, 72 का करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 108 का करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो जब भी हम एलसीएम का बात करते हैं तो हम एलसीएम का बात हाईएस्ट पावर लेते हैं, सब में से हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 में क्या है हाईएस्ट पावर, 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3, यानी ये कितना हो जाए 2 की पावर 4 16 इंटू 27, ठीक है। अब 27 इंटू 16 कर लेंगे 2, 4, 12, 12 एंड 7 19 एंड 4 19 एंड 4 3 2 432 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एलसीएम कितना है 432। तो वाट टाइम विल यू चेंज सिमिलरिटी अगैन, ये सेकेंड में दिया हुआ है तो 60 से इतना सेकेंड लगेगा, तो और मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 432 सेकेंड लगेगा इसको। अब आएंगे कुछ थ्योरम है कि लेट पी वी द प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको समझेंगे, ये थ्योरम है, इसके हेल्प से हम लोग रेशनल और इरेशनल प्रूफ करेंगे, ठीक है, जल्दी समझेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, पी क्या बोला है प्राइम नंबर, तो एक प्राइम नंबर लेते हैं 3, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर यानी ए का वैल्यू ले लेते हैं हम 12। सपोज पी डिवाइड ए स्क्वायर, पी क्या कर रहा है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे और पी से डिवाइड करेंगे, 12 का स्क्वायर करके हम डिवाइड करेंगे 3 से, यानी 144 डिवाइड बाय 3 यानी 48। पी क्या कर रहा है ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, देन ये थ्योरम क्या बोलता है कि P ऑल्सो डिवाइड A यानी 12 डिवाइडेड बाई 3, हाँ
डिवाइड तो कर दे रहा है। तो इसी थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे। इस थ्योरम का उसमें यूज है। आगे मूव करते हैं प्रूविंग की तरफ। प्रूव दैट रूट टू इज ए रेशनल नंबर, रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि प्रूविंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है पार्ट रियल नंबर में, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछता है कम से कम एग्जाम में 3 or 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया करता है प्रूविंग में। तो इसका स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे। लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल। पहले क्या करेंगे, रेशनल मान लेंगे, रेशनल नंबर। सेकेंड स्टेप पे आएंगे, जब हम रेशनल मान चुके रहेंगे इसके, तो रूट टू को क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में मानेंगे पी एंड क्यू, यहां पे क्या होंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम, आर को प्राइम। और q नॉट इक्वल टू जीरो। तो को प्राइम का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 1, नॉट मोर देन 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 से ज्यादा, नॉट मोर देन हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। तो रूट टू हम क्या करते हैं, इसके बाद का स्टेप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखेंगे रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब ये रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 q² इक्वल टू पी स्क्वायर। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि 2 जो है डिवाइड कर रहा है p को, यानी लिख सकते हैं q² इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। उसके बाद यहां से हम आते हैं, एक रिलेशन यहां से मिला, एक रिलेशन मिला 2q² इक्वल टू पी स्क्वायर। सपोज q का वैल्यू हम लोग 3 के लेते हैं, 3 के यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन इन फर्स्ट, पहला में ले लेते हैं। तो 2q² इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे q इक्वल टू 2k लेंगे, क्योंकि हम रूट टू पुट कर रहे हैं, 2k रूट टू को प्रूफ कर रहे हैं। 2q² इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, पुट करेंगे तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2q², यानी 2k² इक्वल टू p², ठीक है। p का वैल्यू कितना पुट किए हम, सॉरी p के वैल्यू पुट किए हैं 2k। तो इसमें पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा, 2q² इक्वल टू
टू के स्क्वायर यानी टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर के स्क्वायर कैंसल आउट, यानी इसे पता चला कि क्यू स्क्वायर को भी टू क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, देन ऑल्सो क्यू इज डिविजिबल बाई टू। अब देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि टू है, टू इज ए फैक्टर ऑफ पी भी है और टू इज फैक्टर ऑफ क्यू भी है, यानी पी टू क्या है मोर देन टू फैक्टर हो जा रहा है। हम क्या माने थे पी एंड क्यू क्या माने थे हम कि को प्राइम नंबर मांगे थे, को प्राइम नंबर एज्यूम किए थे, तो हमारा एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है। हमारा यहाँ पे एजम्पशन सिंस पी एंड क्यू हैव more than two factor, but P and Q are co-prime by our assumption. Therefore, we लिख सकते हैं यहां पर लिखेंगे our assumption is wrong that root 2 is rational number, hence root 2 is irrational, ऐसे प्रूफ कर देंगे। थोड़ा स्टेप जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टेप को फॉलो करेंगे, ऐसे जाएंगे, एक बेसिक आइडिया दिए, ब्रीफ आइडिया दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे रूट टू को, रूट टू नहीं रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन ऐसे नंबरों को हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया, इसको आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। 5/√3 को कैसे प्रूफ करते हैं, सॉरी 5/√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये आपका होमवर्क रहेगा, घर से करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।